आज किसान इतना असहाय है कि जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से वो मंडी में से लहसुन भर के ला रहा है उसका किराया भी नहीं दे पा रहा है। मजबूरन किसान अपने लहसुन को कभी पार्वती नदी में भोपाल के किनारे बहा रहा है, कभी नीमच मंदसौर की सड़कों पे फेंक रहा है। कोलगेट 10 रुपए का, पूरे देश में 10 रुपए का बिक सकता है, लेकिन हमारे एमपी के किसान का लहसुन का दाम अलग है। आज आप दिल्ली की सड़कों पे खड़े, ठेले वाले से पूछिए लहसुन किस भाव में बिक रहा है। एक बार फिर आंदोलन का आगाज एक दिवसीय कार्यक्रम में हुआ है, जरूरत पड़ी तो पुनः दिल्ली की सड़कों पे बैठेंगे, और हम किस तरह सड़कों पे बैठते हैं ये दिल्ली और देश के किसान, देश की जनता को हम बता चुके। हम गुजरात से नहीं आते, मध्य प्रदेश से आते, लेकिन इतना जानते हैं कि जब बलात्कार की सजा किसी को हो चुकी हो तो वो बलात्कारी होता है, उसको आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि वो संस्कारी होता है। कल को तो कोई भी जाति का आदमी बलात्कार करता उसको संस्कारी कहने लगोगे क्या? सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, पुरजोर तरीके से दिल्ली की सड़कों पे पुनः किसान बैठेगा। देखिए, मूलतः मध्य प्रदेश के किसान और पूरे देश के किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस देश में समर्थन मूल्य की खरीदी का गारंटी का कानून बनना चाहिए। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो आज हमारी लहसुन की फसल तक के तैयार है और हमें 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो दाम मंडी में मिल रहा है। आज किसान इतना असहाय है कि जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से वो मंडी में से लहसुन भर के ला रहा है उसका किराया भी नहीं दे पा रहा है। मजबूरन किसान अपने लहसुन को कभी पार्वती नदी में भोपाल के किनारे बहा रहा है, कभी नीमच मंदसौर की सड़कों पर फेंक रहा है। अगर इस देश में समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी का कानून होगा तो उस किसान को उसके लहसुन का दाम मिलेगा। हम हमेशा कहते हैं कि फल साग सब्जी इत्यादि जिनका समर्थन मूल्य तय नहीं, उनका समर्थन मूल्य तय करो, C2+50 के आधार पर समर्थन मूल्य का दाम दो। अगर समर्थन मूल्य किसान को मिलता तो इसमें सरकार को तकलीफ क्या है? कोलगेट 10 रुपए का, पूरे देश में 10 रुपए का बिक सकता है, लेकिन हमारे एमपी के किसान का लहसुन का दाम अलग है। आज आप दिल्ली की सड़कों पर खड़े, ठेले वाले से पूछिए लहसुन किस भाव में बिक रहा है, ये अन्याय कब तक चलेगा? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि जो किसान का जो फसल है वो अच्छे दामों पर खरीदी जा रही है। मोदी जी अगर कहते हैं तो मंदसौर उनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, शिवराज सिंह जी को एक टेलीफोन लगा के पूछ लें कि परसों के दिन क्या पार्वती नदी में एक ट्रॉली लहसुन किसान ने नहीं फेंका है? क्या मंडी जो भोपाल की है, जो मंदसौर की है, नीमच की है, उसमें 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो किसान का फसल नहीं बिक रही है? आंखों देखी मक्खी निकलने वाली ये बात करते हैं। सरकार केवल एक अच्छा शाइनिंग इंडिया दिखाती है, लेकिन असल इंडिया उसके नीचे दब रहा है, जिसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। उस अंधेरे में मध्य प्रदेश का किसान घुट घुट के मर रहा है। आप सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी का कानून है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं तो मध्य प्रदेश के तात्कालिक हालात आपको बता रहा हूं। पंजाब का किसान आपको आपकी तात्कालिक हालात बताएगा। सार्वजनिक रूप से हम इकट्ठा हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक बैनर तले एकजुट किसान था, एकजुट किसान है और एकजुट किसान रहेगा। लेकिन मोदी जी से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं, लॉटरी लग गए हैं। उन्होंने कहा था जब कानून वापस ले रहे थे कि मैंने पवित्र मन से इस कानून को लाया था, कोई भी छलकपट नहीं था, गंगा की तरह जो मेरा मन है वो पाप है, साफ है। लेकिन आप लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए, विश्वास का बात आप करते हैं तो मैं आपको विश्वास का एक ताजा उदाहरण दे देता हूं। जब हमने आंदोलन स्थगित किया तो सरकार के जो सचिव अग्रवाल साहब, उनने एक लेटर दिया था, उस लेटर में 5 बातें थी। पहली बात ये थी कि किसानों के सारे केसेस वापस हो जाएंगे। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मेरे ऊपर कई धाराओं में केस रजिस्टर्ड है। भोपाल की सड़कों में जब ट्रैक्टर में आंदोलन किया था, आज भी थाने में रजिस्टर्ड है। मैं गया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई आदेश नहीं है। ऐसा हाल पूरे प्रदेश के देश का है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जब बिजली संशोधन बिल दोबारा कोई आएगा तो उसके लिए स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। हमसे बात नहीं की, दोबारा वो ला रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा था कि लखीमपुर कीरी के केस में न्याय होगा। न्याय क्या हुआ? ट्रेनी जी जो मंत्री हैं, जिनका नामजद है FIR में, इनके ऊपर प्रकरण है, धाराएं लगी हैं, वो अभी भी मंत्री बने बैठे हैं। तो सरकार का क्या भरोसा करना? उन्होंने MSP का कहा था कमेटी बनाएंगे गारंटी कानून के लिए, 3 लोग SKM से मांगने की बात करी, बाकी 99% लोग कौन है? सरकार के अधिकारी, भारतीय किसान संघ जो RSS का अनुसांगिक संगठन है, ऐसे कई संगठनों को लेकर वो हमसे बात करते हैं कि MSP कानून की बनाएंगे। यानी जब वो बात करेंगे MSP की तो सर्वसहमति से अपने मन का कुछ भी पास करा लेंगे। ये धोखा चला हुआ सरकार निरंतर कर रही है, इसलिए हम जानते थे कि हमारे साथ धोखा करेंगे। इसलिए हमने कहा था कि हम आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। आज एक बार फिर आंदोलन का आगाज एक दिवसीय कार्यक्रम में हुआ है, जरूरत पड़ी तो पुनः दिल्ली की सड़कों पर बैठेंगे, और हम किस तरह सड़कों पर बैठते हैं ये दिल्ली और देश के किसान, देश की जनता को हम बता चुके हैं। लेकिन क्या उसी तरह का ऐतिहासिक था, उसी तरह से होगा क्या? आज का कार्यक्रम तो ऐतिहासिक होगा भाई साहब, और इसके बाद अगर सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है तो बहुत जल्द आपको इस पुनः सड़कों पर मिलेंगे और हम फिर बात करेंगे। और जो साथ साथ की सरकार से भरोसा दिलाया जा रहा है कि भाई आप लोगों के साथ न्याय होगा, आपने लखीमपुर खीरी की बात की, लेकिन जो अजय मिस्टर टेनी है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, वो अब तक इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, तो यही तो निर्लज्जता है सरकार की। एक तरफ सरकार कहती है किसानों के साथ न्याय करना है, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। दुगनी का उदाहरण मैंने आपको मध्य प्रदेश का दे दिया है, क्या हमारे किसान किस तरह परेशान है? रहा सवाल मंत्री टेनी जी का, तो टेनी जी का इस्तीफा लेने में क्या जाता है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसी और की सरकार होती है जरा सी गलती पे कपड़े फाड़ के इस्तीफा मांगने लगते हैं, और आज जब खुद का मंत्री दोषी है तो केवल इस बात से इस्तीफा नहीं ले रहा है कि हमारी छवि खराब हो जाएगी। ये अड़ियल रवैया कब तक चलेगा? एक बार इस देश ने अड़ियल रवैया को चुनौती देते हुए उस सरकार को झुकाया है, और आगे भी किसान फिर से एक बार सरकार को अपनी मांग पर झुकाएगा। लेकिन आशीष टेनी वो भी बाहर आ गए जिन्होंने किसानों को टुकला रौंदा। देखिए, जब देश आजादी के 75 वर्ष मनाए
और एक तरफ प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करें, और उसी दिन बिल्किस बानो के रेप करने वाले 11 लोगों को सजा जो उससे माफ करते हुए जेल से छोड़ दिया जाए, तो हम ये जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार लोगों के साथ न्याय कर रही है। लेकिन वो तो कह रहे संस्कारी रेपिस्ट थे भाई, ब्राह्मण थे इसलिए। भाई साहब, अगर रेपिस्ट संस्कारी होने लगे तो वो कोई जाति का व्यक्ति नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, वो मेरी जाति, आपकी जाति, किसी की भी जाति से हो सकता है। भाई साहब, चंदन लगाने वाला आदमी ब्राह्मणवाद में फंसा हुआ, आप कैसे कह सकते हो? ये किस प्रकार की भाषा की बात कर रहे हो? हम यहाँ किसान ये जो एक संदेश देने आते हैं कि किसान की कोई जात पात नहीं होती। मैंने आपसे कहा अपराधी की कोई जात नहीं होती, जात तो आप ढूंढ रहे हो, आप मुझे जाति का बोध करा रहे हो, अपराध तो आप कर रहे हो। देखिए भाई साहब, आप ये मतों में हमें मत घुसाइए, हम पार्लियामेंट में नहीं बैठे हैं, ये राजनीतिक बात में हमसे मत फंसाइए। बात किसान की करनी, किसान की करिए। बात ये है कि आपने बिल्किस बानो जी, बिल्किस बानो को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून पे। देखिए, हम केवल एक बात जानते हैं, हम गुजरात से नहीं आते, मध्य प्रदेश से आते, लेकिन इतना जानते हैं कि जब बलात्कार की सजा किसी को हो चुकी हो तो वो बलात्कारी होता है। उसको आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि वो संस्कारी होता। कल को तो कोई भी जाति का आदमी बलात्कार करता उसको संस्कारी कहने लगोगे क्या? सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, पुरजोर तरीके से दिल्ली की सड़कों पे पुनः किसान बैठेगा। मेन मुद्दा क्या है? तो मोदी जी ने 3 कानून ऐसे ही वापस ले लिए थे क्या? अगर नहीं मानते हैं तो यूपी चुनाव था ना। देखिए, चुनाव है क्या है, ये राजनीतिक मुद्दा है। एक किसान से आप राजनीतिक सवाल करके हमारी बातों को मत घुसाइए। सर, कैसी बात कर रहे हैं भाई? यहाँ जो जितने खड़े हैं चुनाव नहीं लड़े, और संयुक्त किसान मोर्चा का जो ये बैनर है राजनीतिक का, इसमें एक भी आदमी आपको आज मंच पे ऐसा नहीं देखेगा चुनाव लड़ा है। जो 22 जत्थेबंदी चुनाव लड़े हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर है। बाकी की बात हमारे आगू लोग आपको भी कह देंगे, और स्पष्ट तरीके से 12 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हम लोग कह चुके हैं। आप कह रहे थे कि 3 कानून वापस कर दिया गया, जब आप मांग कर रहे थे एमएसपी की, तो आपकी मांग थी, फिर आप क्यों खाली कर दिया? हम आपसे क्या कह रहे हैं? हमने आंदोलन स्थगित किया था, प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ये कहे कि भाई मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूँ और वापिस लेता हूँ, तो हमने उनकी बात मानी। उनने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी में उन्होंने हमारे साथ छल किया, जब आदमी छल करेगा तब तो दोबारा आएंगे। तो आप तो बोल रहे थे कि हम भरोसा नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। अरे भैया, तो सारे लोग कह रहे थे भैया, जब भरोसा करके उठ गए और हमें एक पत्र दे दिया, उसमें छलावा किया, तब तो दोबारा आएंगे सरकार के लोकतंत्र में। आप लोगों ने इसमें एक मांग में एक और चीज जोड़ा है, अग्निवीर योजना का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। पहले तो अपनी बात को रखिए ना, अग्निवीर का क्यों कर रहे हैं? क्यों, अग्निवीर हमारे बच्चे नहीं है क्या? वो जो बच्चे किसान के भर्ती होते हैं सैनिक में, वो हमारे बच्चे नहीं है क्या? देशभक्ति का अलग जगा रहे हैं। देखिए भाई, एक बात बताइए, सेना में जाने के लिए 4 साल, अब वो जो सांसद आदमी बन जाता है 1 साल के लिए, अभी हम लोग ट्रेन में आते हैं जनरल में धक्के खाते हुए, वो फर्स्ट एसी में अपने पीएसओ के साथ बैठा रहता है आदमी और जिंदगी भर पेंशन लेता है, उनका क्यों नहीं काटते हैं? उनका भी काट दीजिए ना, आप सारी चीजें करना। भाई साहब सुनिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, किसान और किसानी से संबंधित कोई बात करनी तो ठीक है, सरकार के एजेंडे का प्रश्न बार बार मेरे से मत करिए। मैं सबके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप अलग से एक सवाल लाके मेरे को परेशान मत करिए। भाई साहब धन्यवाद, बहुत बहुत। बाकी सवाल आप हमारे वरिष्ठ नेताओं से पूछिए। जय किसान।